नाउ so स्टूडेंट्स अभी हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डिस्कशन से पहले हम सिर्फ बेसिकली थोड़ा सा ये स्किम थ्रू कर लेते हैं कि एक जो बेसिक वेब पेज होता है यानी फॉर एग्जाम्पल हम गूगल डॉट कॉम लिखते हैं तो जो हमें एज अ आउटपुट चीज नज़र आ रही होती है वो एक वेबसाइट है एक वेब पेज है तो वेब पेज के मेन मेन कॉन्टेनर क्या होते हैं हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं तो जो बेसिक वेब पेज होता है वो बेसिकली टैग्स होते हैं, हैं। यानी आपको अभी नजर आ रहा होगा एच का एक टैग है हेड का एक टैग है उसके अंदर टाइटल का एक टैग है फिर बॉडी का टैग है एंड एंड सो ऑन सो हर टैग ओपन होता है यानी एंगल ब्रैकेट के साथ उसके अंदर कुछ और टैग्स होते हैं और फिर हर जो टैग है उसका क्लोजिंग टैग होता है हमारा जो भी कंसर्न है या जो हम अभी जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टाइटल का जो टैग है उसको डिस्कस करते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड जो जो टाइटल टैग है उसकी इंपॉर्टेंस पहले समझ लें जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने गूगल डॉट कॉम पर लिखा वॉचिस तो जो सबसे ऊपर चीज मुझे मुझे नजर आती है ना यानी जो टाइटल है वो सर्च इंजन को मदद करता है कि आपका वेब पेज एक्चुअली है क्या यानी किस मकसद के लिए आपका वेब पेज बना है वो आपका टाइटल बताता है किसी भी सर्च इंजन को लाइक like गूगल को बिंगो को

और टाइटल का भी करेक्टर साइज नहीं होना चाहिए कि वो पेज कट होना शुरू हो जाए और बहुत छोटा भी नहीं हो कि आपको समझ ही ना आए तो 60 से 90 करेक्टर तक का जो टाइटल का साइज है दैट इज यू नो इसको लोग कहते हैं कि ये मुनासिब है लेकिन हैविंग सेड दैट कोई ऑफिशियल लिमिटेशन नहीं है यानी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप नाइनटी करेक्टर से ज्यादा का टाइटल नहीं रख सकते ऐसा कतन नहीं है नाउ जस्ट सी जैसी फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल डॉट कॉम पर लिखा लेट सपोज एम ओ जी तो जो एम ओ जी डॉट कॉम है अब आप देखें जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई है एम ओ जी एस सी ओ सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन ये टाइटल है ये वो टाइटल है जो वेब पेज क्रिएट करते वक्त मैंने टाइटल के टैग में लिखा होगा बाकी जो डिटेल्स हैं मोज डॉट कॉम और बाकी चीजें वो कहीं और से आ रही हैं लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इन ग्रीन यानी जो एरो आपको नजर आ रहा है ये वो चीज़ है जो मैंने वेब पेज क्रिएट करते वक्त टाइटल के टैग में लिखा होगा तो इट हैज़ टू बी बिटवीन यानी ये सर्च इंजन को बता रहा है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअली क्या करेगी तो इट हैज टू बी वेरी वेरी कॉन्साइज रीजन हम ये फेसबुक में भी डिस्कस कर चुके हैं फेसबुक ऐड में गूगल ऐड में गूगल एड में, में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाउ दीज डेज एवरी थिंग इज कॉन्टेंट तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइस बट वेरी क्वालिटी ओरिएंटेड सो नाउ अभी हमने ये देखा कि Uh, जो जो टाइटल का टैग है वो एक्चुअली जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो, जो भी आप टाइटल में लिखते हैं वो आपको और आपकी वेबसाइट अगर सिलेक्ट हो जाती है ऑब्वियसली सर्च में तो जो भी आप टाइटल में लिखते हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाता है सो नाउ लेट मी शो यू अ वेरी वेरी बेसिक एच पेज के आप एच पेज क्रिएट कैसे कर सकते हैं बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू भी आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं लेकिन मैं इंटेंशनली आपको नोट पैड के अंदर एक बेसिक पेज क्रिएट करके दिखाता हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि टाइटल टैग होता क्या है रीजन जो एस है वो एक्चुअली दो चीजों से खेलने का नाम है एक टाइटल टैग एक मेटा टैग बाकी जो चीजें हैं वो एस के कॉन्टेक्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक टाइटल टैग को डिस्कस हम करेंगे डिटेल में अभी थोड़ी देर में और फिर मेटा टैग को क्योंकि एच का नाम इन दो चीजों को ऑप्टिमाइज करना है सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ बेसिक एच पेज सो नाउ स्टूडेंट्स ये जो कोड है ये एच का एक ओपनिंग टैग है फिर हेड का है हमारे काम का जो भी टैग है वो ये टाइटल का टैग है तो मैंने टाइटल में लिखा है अ टेस्ट पेज फॉर स्टैट्स आप इस दौरान यानी इस टाइटल के एंगल ब्रैकेट जो खत्म हो रहा है और इससे पहले जो भी लिखेंगे वो आपको टाइटल में नज़र आ जाएगा और अभी हम इसको रन करके देखते हैं फिर आपने हेड टैग को क्लोज करना है बॉडी टैग स्टार्ट किया और जो वेब पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो आपका माय फर्स्ट हेडिंग है एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ मैंने इसको नोट पैड में कॉपी कर लिया उसके बाद इसको आप कहीं भी स्टोर कर लें मैंने डेस्कटॉप टॉप पर कर लिया लेकिन इसकी एक्सटेंशन डॉट एच आपने रखनी है अब मैंने क्योंकि डेस्कटॉप टॉप पर स्टोर किया हुआ है सो लेट मी जस्ट ओपन इट अब आप ये देखें जो मैंने लिखा टेस्ट पेज फॉर स्टैट्स वो देखें यहां पे आपको नजर आ रहा है दिस इज अ टाइटल ऑफ द पेज और अगर गूगल में आपका ये पेज सर्च में आ जाता है तो दिस थिंग आई विल सी दिस थिंग आई विल, विल सी एज अ रिजल्ट उसके बाद लिखा हुआ रहा है माई फर्स्ट हैडिंग एच वन का मतलब है कि इसका फॉन्ट बड़ा रखें तो आपको लिखा हुआ रहा है फर्स्ट हैडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ उसके बाद लिखा हुआ है तो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ सो so, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल को चेंज करता हूँ अ टेस्ट पेज फॉर लेट्स सपोज एस, पुर, एस करता हूँ और इस पेज को मैं सेव कर लेता हूँ और मैं सिंपल इस इसको रीलोड करता हूँ यानी F5 करता हूँ तो आप देखें अ टेस्ट पेज फॉर एस सी यहाँ पर चेंज हो गया अगर आपने इसी पेज का या किसी भी पेज का एच कोड व्यू करना होता है तो सिंपल राइट क्लिक करें व्यू पेज सोर्स करें आपको देखें एग्जैक्टली वो वाला एच कोड नजर आ जाएगा ये कोड आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये क्लाइंट साइड कोड है यानी मेरी मशीन पे चल रहा है एज अ क्लाइंट अगर आप गूगल डॉट कॉम के पेज को राइट क्लिक करेंगे तो जो कोड आपकी मशीन पे पड़ा हुआ है ना सिर्फ आपको वो नजर आएगा जो सर्वर साइड का कोड है यानी हाउ गूगल रैंक योर पेज वो ऑब्वियसली उनका बिजनेस सीक्रेट है वो आपको कभी नहीं बताएंगे एनी हाउ दिस इज अ वे हाउ वी कैन क्रिएट अ बेसिक एच टी एम एल पेज